दोस्तों कलयुग को भाई यूं ही कलयुग नहीं कहा जाता है, बल्कि कलयुग का जो मानव है ना वो इसे कलयुग बनाता है। आज का इंसान भाई इतना ज्यादा मतलबी हो गया है, इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चंद रुपयों के मुनाफे के लिए किसी का भी पत्ता काट सकता है। आज हम आपके सामने सीसीटीवी और मोबाइल फोन्स में कैद कुछ ऐसे ही चीटर्स लोग लेके आए हैं जो अपने थोड़े से फायदे के लिए हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिएगा, जिससे आप भी किसी गंदे प्लान का शिकार ना हो जाएं, आप उससे बचें, इसलिए हम चाहते हैं ये वीडियो आप देखें। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पीपल कॉट चीटिंग ऑन कैमरा पार्ट 1। मुंबई के अंधेरी से दिसंबर 2021 को दोस्तों सामने आए इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से आप हिल जाएंगे। दरअसल अंधेरी के दोस्तों दीपा बार में लड़कियों का डांस चल रहा था। वहां के कुछ लोगों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस वहां पे पहुंच गए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि चंद मिनटों में लड़कियों को गायब कर दिया गया और इस बार को खाली कर दिया गया और पुलिस को दोस्तों वहां कोई भी लड़की नजर नहीं आई। पुलिस ने सोचा भाई लड़कियां तो यही थी, लेकिन गई कहां? पुलिस ने यहां पर 15 घंटे तक मौजूद सभी लोगों से बारीकी से जांच पड़ताल की, पूछताछ की, लेकिन दोस्तों अब तक पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी एक ऑफिसर की सरसरी नजर मेकअप रूम में लगे शीशों की ओर गई। उसने वहां जो देखा उसे काफी अटपटा लगा। जब हथौड़े से शीशे पर वार किया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों उस शीशे के पीछे एक लॉक था जिसमें से कुछ गड़बड़ की बू आ रही थी। जब पुलिस ने इस लॉक को खोला तो क्या देखा कि एक छोटे से तहखाने से एक के बाद एक कन्याएं निकलती हुई चली आ रही हैं। इस तहखाने में 200 सभी लड़कियों को कूड़े कचरे के बोरियों की तरह ठूस ठूस के भर दिया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तहखाने में एसी और खाने पीने का सामान भी था और सोने के लिए चटाई की व्यवस्था भी थी। और कौन है? अरे 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 हां 17 है टोटल, 15-17। ए इसको पहले लो, इसको पहले साइड में लो, इसको साइड में लो, बैठा दे। वैसे इन सभी को दोस्तों पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने और कानून तोड़ने के आरोप में केस फाइल भी किया है। नवंबर 2022 के दौरान दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बारे में जिसने सुना वो बिल्कुल हैरान रह गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया और वहां उपस्थित पुलिस वालों को अपना फोन दिखाते हुए बोला कि मैं यहां का नया कलेक्टर हूं और राष्ट्रपति ने मुझे नियुक्त किया है, चलो अब तो मुझे मेरा कमरा दिखाओ। पुलिस ने कहा हाँ हाँ आइए थाने चलकर बात करते। पुलिस इस कलेक्टर को भाई थाने ले ही जा रही थी कि आधे रास्ते में खबर मिली कि कलेक्टर साहब तो भैया भाग गए, खत्म। दोस्तों इन दिनों एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भाई जमकर सुर्खियां बटोर रही है। वीडियो में ऐसा देखा गया है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर रास्ते से गुजर रहा है जहां कुछ बच्चे भाई खेल रहे होते हैं। इतने में एक बच्चा इस शख्स की बाइक के आगे भाई अपनी टूटी हुई साइकिल गिरा देता है और उससे कहता है कि भैया आपने मेरी साइकिल तोड़ दी है। अबे क्या है ये, बीच में गिरा दी तूने? हाँ यही हमारा रिएक्शन था। आगे बच्चा भाई क्या क्या और कैसे कैसे कर रहा है जरा आप भी सुन लीजिए। मेरे मम्मी पापा मारेंगे, भाई पापा मारेंगे, भाई साइकिल लेकर आगे दवाई वरना पैसे दवाई नहीं साइकिल लेके। सब क्या देखना पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सच मान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सच सामने लाने के लिए आपके फैक्ट 15 भाई ने भाई थोड़ी रिसर्च की है तो पता चला कि 25 सितंबर 2022 के दौरान दिलीप सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने चैनल AK7 व्लॉग नाम के YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड की गई थी जो कि पूरी तरह से दोस्तों स्क्रिप्टेड है। भाई आजकल की इस दुनिया के झोल इतने बड़े हो चुके हैं कि दही जमाने को जगह भी कम पड़ती जा रही है। जी हाँ, इसलिए लोग आजकल भी अपने घर के टाइल्स के नीचे दही जमा रहे हैं। दही से यहाँ पे मेरा मतलब ऊपर की कमाई से, समझ रहे हो ना। दरअसल दोस्तों मुंबई में जब एक शख्स के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो ऑफिसर्स ने शक के चलते घर के एक टाइल को थोड़ा पीछे खिसकाया। गजब की बात तो ये थी कि वो टाइल खिसक भी गया। अपने नीचे बने गड्ढे से 19 किलो चांदी के साथ साथ 10 करोड़ का कैश भी टीम के हाथ थमा गया। इतना दही तो भाई मैंने आज तक नहीं देखा, आपने देखा है क्या? सितंबर 2021 को राजस्थान के बीकानेर से सामने आए इस वीडियो में दोस्तों सारी हदें पार कर दी गई। जी हाँ, आपको हैरानी नहीं अचंभा हो सकता है जब मैं ये कहूँ कि राजस्थान के बीकानेर में एक गैंग ने पूरे 6 लाख की चप्पलें बेची थी और आपके कान के पर्दे भाई हिल जाएंगे ये सुनकर कि उन चप्पलों को लोगों ने खरीदा भी था। अब आप सोच रहे होंगे 6 लाख की बहुत सी चप्पलें, तो नहीं 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 6 लाख की भाई सिर्फ एक जोड़ी चप्पल। जी हाँ, बात कुछ ऐसी की भाई जब 2021 में राजस्थान में रीट का एग्जाम हो रहा था तो इन लंबी रेस के घोड़ों ने भाई दिमाग दौड़ाया और एक खास तरह की चप्पल बनाई जिसमें ब्लूटूथ और एक स्मार्ट सेटअप लगा हुआ था। इन चप्पलों की मदद से दोस्तों आसानी से एग्जाम में नकल की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इनकी खबर लगी इन चोरों का भैया धर पकड़ लिया गया। कहते ना बुरे का फल बुरा ही होता है, वही हुआ यहाँ।
ठीक वही इसी तरह से मार्च 2021 के दौरान बिहार के वैशाली में इस व्यक्ति ने भी वही आपदा को अवसर बनाया। दरअसल दोस्तों उस समय कोरोना वायरस चल रहा था, जिसके चलते लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि पहनना ही पड़ेगा वरना डंडे चटकाए जाएंगे कूलों पे। हाँ, महाशय ने भाई इस मास्क में एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक सिम कार्ड और एक बैटरी लगाकर कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए पहुंचे और कांस्टेबल द्वारा ही धर लिए गए। बड़े बनने थे अपने आप को, शेर मिल गया ना, सवा शेर। कोई दुनिया में दर्द हजार हैं, लेकिन दोस्तों किसका दर्द कितना बड़ा है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए इस वीडियो में दिख रहे इस भारी भरकम से शख्स की परेशानी देखकर लग रहा है कि इसका दुख भैया कुछ ज्यादा ही बड़ा है। दरअसल वीडियो में दिख रहे पुलिस की वर्दी पहने शख्स का नाम दोस्तों है मुकेश यादव। ये असली वाले दरोगा जी नहीं है, बल्कि भाई ये तो नकली वाले दरोगा जी है। जी हाँ, हुआ ये कि ये भारी भरकम जनाब टोल टैक्स से काफी परेशान थे। अब इसका समाधान तो भाई ढूंढना ही था ना, तो भाई साहब ने टोल टैक्स से परेशान होकर बाजार का चक्कर लगाया और पुलिस की वर्दी खरीद लाए। और जब इन भाई साहब ने पुलिस की वर्दी पहनी तो भाई जो इनसे टैक्स लेने थे वो इन्हें सलाम ठोकने लगे। बस फिर क्या था, फिर तो ये 180 किलो के दरोगा जी उतर आए रोड पर। प्राइवेट बस, ट्रक और गाड़ियों से अवैध वसूली करनी भाई इन्होंने शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे अपने दो लफंडर साथी को भी इसमें शामिल कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो? इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। वही जब इस फर्जी वाले की जानकारी भाई टूंडला पुलिस को हुई तो इन भाई साहब की नैया डूब गई और अब ये जेल में पुलिस खेल रहे हैं। वेल दोस्तों, आगे अभी और क्लिप्स आने वाली है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, प्लीज बताइए, जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो भाई कहाँ कहाँ पहुँच रही है। सितंबर 2020 को हरियाणा के करनाल से वायरल हुई दोस्तों ये वीडियो क्लिप, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ नकली पुलिस वाले लोगों से घर घर जाकर हफ्ता वसूली कर रहे थे। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये लोगों से लिए पैसे को अपने हाथ में मौजूद इस रजिस्टर में भी चढ़ा रहे थे कि किससे कितना मिला, जैसे कोई सरकारी काम चल रहा हो। अधिकतर लोग जो यहाँ पर खड़े हैं इन्हें ये नहीं पता कि ये लोग पुलिस वाले हैं, होमगार्ड हैं या बहरूपी हैं। रजिस्टर के अकॉर्डिंग भाई इन पुलिस वालों ने किसी से 21 रुपए का चंदा लिया तो किसी से 200 का। मतलब देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है इस दुनिया में। खैर, अब तो भाई इन पुलिस वालों का असली पुलिस वालों द्वारा धर दबोचा गया। वहीं जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लॉकडाउन से पहले नाटक मंडली का हिस्सा थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद भाई जब कोई काम नहीं मिला तो इन जनाब ने नकली पुलिस बनकर गरीब लोगों से पैसा वसूली शुरू कर दी। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती पर पड़ती तो बहुत जोरों की पड़ती है, यही हुआ यहाँ पे। चलो नकली पुलिस तो भाई फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो नकली थाना चल रहा है। जी हाँ, जहाँ के भाई कांस्टेबल से लेकर थाना इंचार्ज हर कोई फर्जी है भैया। ये वीडियो है बिहार के बांका की। अगस्त 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप आई और सबको हिला के चली गई। बात कुछ ऐसी कि बांका में पिछले 8 महीनों से फर्जी थाना चल रहा था, जहां मुंशी से लेकर दरोगा और डीएसपी सभी नकली है और 500 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे थे। पर एक झटके वाली बात यह है कि एक महिला दरोगा को यहां देसी कट्टा थमा दिया गया। लेकिन जब रियल थाना इंचार्ज की नजर भाई इस नकली गैंग पर पड़ी तो समझ गए कि भाई दाल में कुछ तो काला है। लेकिन जब चेकिंग की गई तो दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली निकली भैया। आपको बता दें, इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भी कई लोगों के ऊपर भाई कार्रवाई की तलवार लटकाई गई है। भाई अगर आप भी मेरी तरह पानी पूरी के दीवाने तो दोस्तों जरा मेरे साथ इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप भी मेरी तरह पानी पूरी से दूर रहने वाले हैं। मैं सच्ची कह रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो क्लिप है ये। गुवाहाटी से अगस्त 2021 को सोशल मीडिया पर ये दुनिया के सामने आई, जिसमें दोस्तों एक रोड किनारे खड़ा पानी पूरी वाला, आप जानते हैं पानी पूरी के पानी में पेशाब मिलाता हुआ दिखाई दिया। यार ये देखने के बाद मैंने तो सच्ची कह रहा हूँ पानी पूरी त्याग दी। अगर आप ज्यादा ही दीवाने हैं पानी पूरी के तो भाई ऐसे ठेल वालों से जरा बच के रहें, क्योंकि ये हमारी सेहत से कोई मतलब नहीं रखते। वैसे आपको बता दूं पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही इसका काम भी बंद करवा दिया गया है। नवंबर 2021 के दौरान कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो ने 13 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के घर भाई छापेमारी की, और इस दौरान जब गुलबर्गा शहर में रहने वाले जूनियर इंजीनियर के घर छापा मारा गया तो आप जानते हैं उन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने घर में लगे पाइप को चेक किया तो भैया सच्ची कह रहा हूँ होश उड़ गए। हाँ, समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि इंजीनियर साहब ने इस पाइप में अपनी हराम की कमाई छुपा रखी थी। इसके बाद ब्यूरो ने इस पाइप से 13 लाख रुपए और साथ ही 54 लाख रुपए बरामद किए, जो देश की जनता ने इन्हें अपना काम करवाने के बदले दिए थे। दोस्तों, शेख जाहिर नाम के शख्स ने अक्टूबर 2020 को बकर बॉय जाहिर नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें एक हैंडीकैप लड़का जाहिर से पैसे मांग रहा था। लेकिन जब जाहिर को उसके टूटे हाथ का सच मालूम पड़ा तो उसने दुनिया को भी सच से रूबरू करवाया, जिसके बाद भैया लड़का बत्तीसी दिखा रहा है। देखो क्या हुआ भाई, क्या है आपके पास? शाबाश, बिजनेस। हाँ ए भाई, क्या भाई कितना में किला? बहुत दाम है, तुम खरीद लोगे एक दिन, टाइम आएगा।
पढ़ाई करो ठीक से। दोस्तों ये तो बात हम अच्छे से जानते हैं कि दूध के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। भाई दूध देखिए हर कोई पीता है और दूध का इस्तेमाल हम भारतीय लोग चाय बनाने के लिए करते हैं, कॉफी बनाने के लिए करते हैं, है ना। और यही वजह है कि दूध में सबसे ज्यादा मिलावट भी की जाती है। आप सही सुन रहे हैं, दिसंबर 2017 के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसी गली में भाई इस दूध वाले को 15 लीटर दूध की कैन में करीब आप जानते हैं 5 लीटर पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये लोग यार हमारी जेब के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के संग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं आप सोचिए, क्योंकि वो जो पानी है वो कैसा है किस तरह का है कौन जाने भाई। कुछ इसी प्रकार दोस्तों जुलाई 2016 के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से निकलकर सामने आई ये वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पे फैल गई। शैलेंद्र प्रताप सिंह नाम का ये बंदा है जिसने अपने दूध वाले की वीडियो बनाई। जी हाँ दोस्तों, इसका दूध वाला अपनी दूध की बाल्टी में पानी उड़ेल रहा था तो इन्होंने भाई कैप्चर कर लिया और पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। आजकल लोग दोस्तों हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, चाहे वो चीज हमारे खाने की ही हो या पीने की हो। इससे जुड़ा वीडियो 2017 में राजस्थान के कोटा से काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति अंडे फोड़कर भाई लोगों को दिखा रहा है कि कैसे मार्केट में नकली अंडे बेचे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों व्यक्ति ने अंडा फोड़ना चाहा तो ये आसानी से टूट गया। इसके बाद अंडा तोड़कर व्यक्ति ने दिखाया कि इस अंडे में प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है यार। इसके अलावा अंडे के अंदर दोस्तों जो पार्ट होता है ना अंदर, काफी ज्यादा सख्त था, यानी कि पूरा का पूरा अंडा ही नकली था जो लोगों ने चंद पैसे कमाने के लालच में आकर बनाया था। दोस्तों दिसंबर 2021 को जयपुर में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में कुछ महिलाएं लड़कों के पास पर्चा लेकर आती हैं और उससे मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन उस लड़के ने उनकी डायरेक्ट मदद करने के बजाय फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो इन्होंने आपको पैसे दिए हैं ये 500 रुपए और ये जो नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे आप? अरे बात तो करो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताओ ना। आपकी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। और इसके बारे में महिलाओं से कुछ सवाल करने लगा, लेकिन कैमरा चालू होते देख वहाँ से वो भागने की फिराक में थी महिलाएं। लेकिन लड़के ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके पीछे जा जाकर महिलाओं से इसके बारे में सवाल किया। महिलाएं कैमरे से बचने के लिए वही अपना मुंह ढकने लगी। सुनिए सुनिए, अरे आप लड़ाई करेंगे ना, आपकी इसमें रिकॉर्ड। सुनो सुनो सुनो, बात करो। अरे बात ही तो कर रहा हूँ मैं, या तो आपको हेल्प नहीं चाहिए तो बताइए, आप नहीं चाहिए ना तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं पैसे? और राह गुजरते लोगों से कहती है कि ये मुझे छेड़ रहा है। अरे बिना फालतू में पैसे मांग रहे हैं। सुनो सुनो, मैंने एक हाथ नहीं लगाया, वीडियो मेरे हाथ में। किराए पे करके लाए क्या या आप इनके साथ हो? और फिर सभी महिलाएं एक ऑटो में बैठकर भाई वहां से भाग खड़ी हुई। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कोई लाचार महिलाएं नहीं थी, बल्कि वो ढोंग करके पैसा ऐठना चाहती हैं। लेकिन आज भाई उनकी दाल यहां नहीं गल पाए। वैसे दोस्तों आपके संग कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है दोस्तों कि बड़े बड़े ब्रांड सेफ हैं तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि बिचौलिए इन्हें गंदा कर देते हैं। इसी गंदगी का शिकार हुए हैं ये अमूल के दूध के पैकेट्स। अक्टूबर 2015 के दौरान दोस्तों दीपक तिवारी नाम के व्यक्ति ने वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि कैसे लोग अमूल दूध के साथ भी छिड़खानी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग अमूल के पैकेट में से असली दूध तो बाहर निकाल लेते हैं और अपना नकली और मिलावटी दूध पैकेट में डालकर पाउच को फिर से पैक कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता उनके साथ धोखा हो गया है। और सच में दोस्तों आज मिलावट ने हर जगह अपने पैर पसार लिए। पूरी पैकिंग को देखिएगा ध्यान से और ये वाले हिस्से को देखिएगा। इस पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से पैकेट को काट के इसमें से दूध निकाल के इसमें नकली दूध भरा हुआ है। अक्सर दोस्तों भूख लगने पर हम बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं और चाहे भी भाई क्यों नहीं, बाहर का खाना बड़ा ही टेस्टी होता है, यमी होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप सच में बाहर का खाना पसंद करेंगे? क्योंकि इस व्यक्ति के पास दोस्तों एक हाथ नहीं है और खाना बनाने के लिए आप जानते हैं ये अपने बगलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए हमारी हेल्थ के लिए कितना बेकार है यार। चलिए दोस्तों अब आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल ये वीडियो 2017 की है जिसे वोल्गा नाम के यूट्यूब चैनल ने सबको अवेयर करने के इरादे से बनाया था और लोगों ने गलत जानकारी के संग वीडियो शेयर करनी धड़ाधड़ शुरू कर दी। देश कहाँ है? देश कहाँ है? टेस्ट यहाँ है, एवरेस्ट चाट मसाला। जब भी दोस्तों हम बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं तो दुकान वाला वो सामान हमें तोल कर दे देता है, लेकिन अगर सामान तोलने वाली मशीन में कोई भी गड़बड़ हो तो हमें इसका पता नहीं लगेगा और पूरे पैसे देने के बाद भी सामान हमें कम ही मिलेगा। मशीन के साथ छिड़खानी करके इन जनाब ने एक ऐसी ही देसी जुगाड़ लगा ली कि मशीन के साथ इन्होंने एक ऐसा उपकरण लगा दिया जो रिमोट से कंट्रोल होता है। ऐसे में जब मशीन पर कोई भारी सामान रखा जाता है तो ये लोग चुपके से अपने पास मौजूद रिमोट का बटन दबा देते हैं,
जिस वजह से यह मशीन ऑटोमेटिक ही सामान का वजन कम दिखाने लगती है। वजन देखना, मेरा वजन है 70 किलो। हाँ मान लो 76 हो गया। 76 आ रहा मेरा वजन, ये देखते जाना जी। इसके बाद अब इसका ये रिमोट दबाऊंगा, ये वाला। अब मेरा वजन देखो, मिनटों में पतला गया। तो देखा आपने कैसे 76 किलो से आधा वजन होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। तो दोस्तों ये थे कुछ चीटर्स, फरेबी लोग जो आपको चूना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार ही रहते हैं। अगर आप इन चूना खोरों से बचना चाहते हैं तो सावधान रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जिससे आप अलर्ट हो सकें, अवेयर हो सकें और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।